शैम्पू में रोजाना नहाने से पहले बस ये दो चीजें मिलाकर लगा लीजिए, आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे, घने, मजबूत हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आपके स्कैल्प में किसी प्रकार की कोई खुजली है, डैंड्रफ की समस्या है, तो वो भी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दो मुंहों की समस्या भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। और आप अगर गंजेपन के शिकार हो रहे हैं तो वहां पर भी आपके बाल उगने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये मेरा एक रेमेडी आपके सफेद बालों को भी काला कर देगा। जी हाँ, तो आज का मेरा ये सिंपल सा वीडियो स्टार्टिंग टू एंड अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में चैलेंज करती हूँ कि आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी, आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, बालों की लंबाई बढ़ने लगेगी। और बहुत सारे लोगों के बाल लंबे तो होते हैं लेकिन पतले बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपके बाल मोटे होने भी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके बालों में नई जान आ जाएगी, आपके बालों का रूखापन भी दूर हो जाएगा और साथ में आपके बालों में नई शाइन आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि मानो आपने अपने बालों में कोई बहुत महंगा ट्रीटमेंट करवाया हो। तो चलिए, बनाना बेहद आसान है, देख लेते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं चाय पत्ती का। जी हाँ दोस्तों, चाय पत्ती, बहुत सारे लोग जो अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं, हिना का इस्तेमाल करते हैं, वो भी चाय पत्ती का यूज करते आ रहे हैं। ये वही चाय पत्ती है जो आप चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से लंबा और घना करती है, साथ ही साथ आपके बालों का झड़ना भी रोक देती है। इसमें चाय पत्ती में यानी काली चाय पत्ती में टैनिन एसिड पाया जाता है जो आपके सफेद बालों को काला कर देता है। और साथ में जो इसमें कैफीन पाया जाता है वो आपके स्कैल्प में हो रहे इन्फेक्शन या बालों में हो रही खुजली या दो मुहे की समस्या या फिर डैंड्रफ की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप चाय पत्ती एक बाउल में ले लीजिए, जैसे मैंने ले रखी है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे दो ग्लास पानी। दो ग्लास पानी डालने के बाद आप इसमें एक चम्मच चाय पत्ती का ऐड कर दीजिए। चाय पत्ती डालने के बाद आप इसको कम से कम 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर गैस पर अच्छे से उबालेंगे। उबालने से चाय पत्ती का जितना भी असर है, जितना भी इफेक्ट है, वो उस पानी में आ जाएगा। आप देख सकते हैं चाय पत्ती बहुत ही अच्छे से बॉइल्ड हो रही है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आप पानी का कलर देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है, काला पड़ चुका है, यानी चाय पत्ती का पूरा असर इस पानी में आ चुका है। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब आप इस पानी को थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसको छन्नी की मदद से छानकर एक बाउल में निकाल लीजिए, जैसे मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने इसमें शैम्पू ऐड कर लेना है अपने बालों के अकॉर्डिंग। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपने शैम्पू कभी भी बहुत ओवर नहीं लगाना अपने बालों में, क्योंकि जब हम ज्यादा शैम्पू कर लेते हैं उससे हमारे स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है और आपके बालों की जड़ें जो है वो कमजोर पड़ने लगती हैं, जिससे वो जल्दी टूटने लगते हैं और उनका बढ़ना बंद हो जाता है। तो आपने अपने बालों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा शैम्पू उसमें ऐड कर लेना है और इनको अच्छे से आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या या फिर आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा खुजली होती है, जैसे गर्मियों के समय में जब पसीना हमारे बहुत ज्यादा आता है बालों में, या हम एक्सरसाइज करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो बालों में बहुत ज्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम आ जाती है ना, और बालों की जो बिल्कुल टिप होती है, लास्ट वाले बाल जो हमारे होते हैं सर के, तो उसमें क्या होता है, दो मुंह एक बाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं गर्मी के मौसम में। तो ऐसे में अगर आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे और इसमें आप हाफ लेमन स्क्वीज कर लेंगे तो आपके बालों की सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ लेमन स्क्वीज कर दिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लेमन ऐड करें, नहीं चाहते तो बिल्कुल भी ऐड ना करें। और इनको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, पहले अपने बालों को अच्छे से गीला कर लेना है नॉर्मल पानी डालकर। उसके बाद आपने धीरे धीरे अपने बालों की जड़ों में और अपने बालों की लेंथ में इस शैम्पू को, यानी जो हमने शैम्पू बनाया है, इसको आपने अच्छे से लगाना है और खूब अच्छे से मलकर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो लीजिए। जब आप इसको अप्लाई करने के बाद नॉर्मल पानी से धोएंगे तो अल्टीमेट रिजल्ट आपको आपके बालों में दिखना शुरू हो जाएगा। आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा शाइनी हो जाएंगे। आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी,
आपका बाल पहले से मोटा हो जाएगा। डैंड्रफ की समस्या, दोमुंहे की समस्या, बालों में खुजली, इन्फेक्शन, ये सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएंगी। अब जान लेते हैं इसको इस्तेमाल करना कितनी बारी है। आपको इसका इस्तेमाल हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो प्लीज YouTube के साथ साथ मुझे Instagram पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा अकाउंट है @ishamehra और Facebook पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।